कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान भये है स्वच्छंद न बिछाने निज शुद्धता कोई व्यवहार नय निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानी पहचान करे उद्दता श्री गुरु परम दयालु हो दिया सत्य उपदेश ज्ञानी माने जान कर ध्यानत मूढ़ करे तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र जीवं निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्य नेकांतं। यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है। इसको अपन ने प्रारंभ से ही प्रारंभ किया है और सबसे प्रथम हमने उस परम ज्योति को स्मरण किया जिसमें विश्व झलक रहा है, मैंने सर्वज्ञ वितरागी देव को स्मरण किया। फिर हमने दूसरे छंद में पूरे द्वादसांग का प्राण, अगर उस द्वादसांग में से उस प्राण को निकाल दिया जाए तो पूरा द्वादसांग मुर्दा हो जाएगा, ऐसा जो विषय था, क्या नाम था उसका, अनेकांत। उस अनेकांत को नमस्कार किया कि वो अनेकांत है जिसको समय सार में दूसरे नंबर के कलश में आचार्य अमृतचंद में वहां भी नमस्कार किया है, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। यहाँ ये कहा कि द्वादसांग के जिनवाणी के श्रुत के प्राण रूप जो अनेकांत है उसको नमस्कार किया। नमस्कार करने का प्रयोजन भी साथ में लिख दिया कि यह विरोध मथनम, विरोध को मत देता है। तो ये अनेकांत है कहां, ये पाया कहां जाता है? देखो दो शब्द हैं, एक अनेकांत और एक स्यादवाद, ये दोनों समझो जोड़ी है। जिसने भी सुना होगा जब भी सिद्धांत की बात चलती है ये दोनों शब्द साथ में चलते हैं, कौन कौन से, अनेकांत और स्यादवाद। तो अनेकांत और स्यादवाद में क्या डिफरेंट है? अनेकांत और स्यादवाद, अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। इस विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब वस्तुएं अनेकांतमयी हैं, सब वस्तुएं अनेकांतमयी हैं। इस विश्व में कितनी वस्तुएं हैं कि भाई जाति अपेक्षा से तो छह हैं और संख्या अपेक्षा से अनंत हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और संख्या अपेक्षा से अनंत है। विश्व का परमाणु परमाणु, विश्व की एक एक वस्तु सबकी सब अनंत धर्ममयी है, यानी अनेकांतमयी है। तो अनेकांतपना जो है वह वस्तु का नेचर है, वह वस्तु का स्वभाव है, वह वस्तु की प्रकृति है। जैसे अग्नि की प्रकृति है उष्णता, अब वह अग्नि कहीं भी रहे उष्ण रहेगी और उस प्रकृति से आप पहचान लोगे उसको। हिंदुस्तान की अग्नि की प्रकृति कैसी है, उष्ण, और अमेरिका की अग्नि कैसी होती है, उष्ण, बराबर है। और चौथे काल की अग्नि उष्ण और पंचम काल की कोई डिफरेंट अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, स्वभाव में बदलाव नहीं होते हैं। पर ऐसे जो अनेकांतपना जो है, अनेकांत वर्ड, अनेकांत शब्द, अनेकांत व्यवस्था, वो वस्तु का नेचर है। हर वस्तु अनेकांतमयी है, मैं भी अनेकांतमयी हूँ, आप भी अनेकांतमयी है, ये जो डब्बे रखे हैं ये भी अनेकांतमयी है,
ऐसी कौन सा विश्व का पदार्थ है जिसमें अनंत धर्म ना पाए जाते हों? अनंत धर्मों का पाया जाना ये अनेकांत पना है। अब कोई कहे कि हमको बताओ, हमको जानना है वो अनंत धर्म। अब जानना है तो बताने के लिए एक माध्यम चाहिए, उस माध्यम का नाम है स्यात्वाद, बताने का तरीका। स्यात् माने किसी अपेक्षा से, वाद माने कथन करना। वस्तु तो अनेकांतमयी है ना, अब अपने को बताना है तो अनंत धर्म एक साथ वाणी से कहे जा सकते हैं क्या नहीं कहे जा सकते हैं? इस मोबाइल में कितने फीचर्स हैं? कितने हैं? सैकड़ों। इसमें कितने सैकड़ों फीचर्स हैं? आपने कहा दुकानदार से अच्छा बताओ, तो जैसे ही उसने बताना शुरू किया तो कैसे बताएगा? सारे एक साथ बताएगा कि क्रम क्रम से बताएगा? अच्छा, क्रम क्रम से बताते समय जिस समय वो किसी एक धर्म का निरूपण करेगा उस समय दूसरे धर्म उसमें विद्यमान रहेंगे या नहीं रहेंगे? उसके ज्ञान में भी विद्यमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मुंह से एक बार में कितने गुण निकल सकते हैं? एक बार में एक गुण का कथन हो सकता है, एक बात का कथन हो सकता है। तो बोले ये दो ही अंतर हैं। अनेकांत प्रत्येक वस्तु का नेचर है, वो उसकी क्वालिटी है, वो उसके गुण धर्म है। अब चूंकि हमको एक दूसरे को बताना है तो कैसे बताया जाए? यदि हम स्यात्वाद का सहारा ना लें और बताने लग जाएं तो वो जात्यंत सिंधुर विधानवत हो जाएगा। जो जन्मांध लोग थे ना, उन्होंने हाथी का जो स्वरूप बताया था वैसा गड़बड़ हो जाएगी। यदि वे स्यात्वाद का सहारा लेते, कैसे स्यात्वाद का सहारा लेते कि पहले छह सब आपस में जान लेते, भैया मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा देखा, अच्छा फिर पूर्ण हाथी की बात करते तो दिमाग में तो रहता पूरा हाथी और वाणी में रहता एक गुण, तब तो वो स्यात्वाद कहलाता। यदि दिमाग में भी एक ही गुण है और वाणी में भी एक ही गुण है तो फिर वो स्यात्वाद नहीं बचा, वो एकांत आ गया। तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस करके इक्वल हमने जो कहा था वो मिथ्या क्यों हो गया? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है एक झूठ, दो झूठ, तीन झूठ, चार झूठ, पांच झूठ, छह झूठ, अब सबको मिला लो तो एक सत्य का निर्माण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यदि कोई धर्म झूठा है, दूसरा धर्म झूठा है, तीसरा धर्म झूठा है, चौथा धर्म झूठा है, अब उन सबको मिला लो तो सांचे धर्म का निर्माण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खिचड़ी हो जाएगी, वो अपन बता चुके हैं। इसलिए ये तो स्वप्न में भी बात लाना नहीं चित्त में कि जैन मत और अन्य मत समान है, किसी एंगल से समान नहीं। देखो सबसे क्या है, समानता का सबसे बड़ा आधार क्या होता है कि उनकी जो फिलॉसफी है, उनके जो सिद्धांत हैं, और इसमें कोई सर्व वाली बात नहीं है और ना ये कहने में कोई संकोच करना चाहिए कि समान नहीं है, इससे कोई हम कम ज्यादा नहीं हो जाते हैं। भाई अग्नि और पानी समान नहीं है तो नहीं है, ये लड़ाई की बात है, ये झगड़े की बात है। अग्नि के गुणधर्म अलग हैं और पानी के गुणधर्म अलग हैं, ऐसा बताएंगे तो हम झगड़े हो जाएंगे। झगड़े तो मूर्खता से होते हैं, समस्या झगड़े नहीं होते हैं। जिनवाणी में निश्चय नय का भी वर्णन है, जिनवाणी में व्यवहार नय का भी वर्णन है। ये आचार्य लोग झगड़ा मचा गए, ना निश्चय नय बताते ना व्यवहार नय बताते तो झगड़े नहीं होते। मतलब आचार्यों ने निश्चय नय व्यवहार नय बताए हैं इसलिए ये लोग झगड़ रहे हैं कि इन लोगों की नासमझी मूर्खता है इसलिए झगड़ रहे हैं। तो अपनी कसाई अपनी ना खुद को तो बोलेगा नहीं, हम मूर्ख हैं, हम बेवकूफ हैं। वो क्या कह रहा है, इन्हें बताए क्यों, इन्हें बताए क्यों? इसलिए अन्य अन्य धर्मों के स्वरूप की चर्चा करके जिनमत की चर्चा करना और अनेक, ये तो देखो ऐसा है, मैं तो बोलता हूं जैसे जैसे पंचम काल आगे बढ़ रहा है ना, लोगों की बुद्धि घटती जा रही है, सहन शक्ति कम होती जा रही है, लौकिक दृष्टि से भी कम हो रही है और धार्मिक दृष्टि से भी कम हो रही है। लौकिक दृष्टि से तो आप भुगत भोगी हैं, हमारे बाप दादे 15-15, 20-20 एक साथ रह लेते थे, इतनी सहन शक्ति थी उनकी, आज 2.5 आदमी एक साथ नहीं रह सकता है शांति से। तो ये क्या मतलब है, सहन शक्ति घटी है ना, वो 20-20 लोग आपस में एक दूसरे को सहन करते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, चीखते रहते थे, तो अभी साथ में बने रहते थे। अभी तो सुबह चिल्ला और शाम को तो कोर्ट से उसको नोटिस आ जाएगा, घर जा अपने।
तो ये घटते गए। यही कारण है आप जैन दर्शन के यदि न्याय ग्रंथों को उठा के देखोगे ना, आचार्यों ने खुल्लम खुल्ला बहस की है, खुल्लम खुल्ला सारे न्याय ग्रंथ खंडन मंडन से भरे पड़े हैं। किस बात से? अन्य मत का खंडन और स्व मत का मंडन। वो भी इसलिए नहीं क्योंकि मैं जैनी हूं और मैं जैन धर्म में पैदा हुआ हूं, पर की युक्ति से, न्याय के आधार से। और इसमें कोई बुराई नहीं है, आप भी अपने बालक को अनेक अनेक लॉजिक से, अनेक अनेक युक्तियों से ये बात समझाते हो कि नहीं समझाते हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस गली में नहीं जाना, इस गली में अपना कोई काम नहीं है, ये समझाते हो कि नहीं समझाते हो? नहीं समझाते हो भाई, ये रास्ते हैं, ये रास्ते हैं, ये रास्ते हैं, एक ये एरिया है, इस एरिया में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? हम अगर उस एरिया में जाएंगे उनका धंधा कैसे चलेगा? तुझे उसके धंधे की चिंता है कि अपनी जान की चिंता है? हम उनका निषेध करेंगे तो उनको दुख होएगा कि नहीं होएगा, बोलो। मैं अपने बच्चे को समझाऊं कि दारू नहीं पीना, और दारू वाला बाजू बेचने वाला आसपास खड़ा हो तो उसको कितना दुख होगा, बोलो। दारू बेचने वाला आसपास हो और मैं अपने बच्चों को समझाऊं कि दारू नहीं पीना तो उसको कितना दुख होगा। और पड़ोसी में कोई बैठा हो, ये पंडित साहब आप इतने धर्मात्मा हो, क्यों किसी की रोजी रोटी में पेट पे लात मारते हो किसी को, तो बताओ मुझे दया करनी चाहिए? हाँ यार बात सही है, क्यों किसी की रोजी रोटी बिगाड़ू, क्यों किसी के पेट पे लात मारू, पीले एक बोतल पीले कोई पड़ता। ये पूछो ना अमृतचंद आचार्य देव से, इस श्राव का चार्ज शुरू होगा उसमें खुद, बोला आप आश्चर्य करोगे, समय सार की आत्मख्याति टीका में अध्यात्म के रसिया आचार्य, मैं आपको सैंपल बता ही देता हूं, पता नहीं क्रम में आएगा कि नहीं आएगा। आप श्लोक नंबर निकालो 61 पेज नंबर 97 97 9 और 7 7 7 लिखे हो, ये तो कोई किसी को जबकि अब आ जाए ना, क्या लिखते हैं बोलो। मध्यम समक्षोत्रम, क्यों परसेंटेज बताऊं क्या? मध्यम समक्षोत्रम पंचो दुंबर फलानि यत्नेन, हिंसा विपुरति कामही, मोक्तव्यानि प्रथममेव, क्या मतलब है इसका? इससे पहले सम्यक दर्शन का वर्णन को कर चुके हैं, सम्यक ज्ञान का वर्णन कर चुके हैं, और सम्यक चारित्र में श्रावक धर्म व्याख्यान का वर्णन चल रहा है, उसके बीच की यह गाथा है, मैं भूमिका बता रहा हूं आपको। और श्रावक धर्म व्याख्यान में अहिंसानुव्रत की वो चर्चा कर रहे हैं कि जैनियों का अहिंसानुव्रत कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने हिंसा अहिंसा को विस्तार से समझाया है, अपन समझेंगे उसको, लेकिन मैं तो आपको डायरेक्ट एक बार क्या कहना चाहिए, झलक दिखना लेगी यहाँ लाया हूं, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा लगे कितने बड़े आचार्य भी जरूरत पड़ने पर सामान्य सी बात का उपदेश देते हैं। क्या कह रहे हैं मालूम को? मध्यम समक्षोद्रम, कौन अर्थ बताएगा इसका? क्या कठिन है इसमें? मध्य मास और क्षोत्रम माने शहद। यदि आपको अहिंसा अच्छे से समझ में आ गई हो तो ऊपर पता है क्या लिखा है, जो जीव हिंसा का त्याग करना चाहते हैं उन्हें प्रथम क्या करना चाहिए। बहुत समझा दिया हमने, हिंसा बुरी चीज है और हिंसा से बंद होता है और ऐसा है वैसा है, खूब लंबी रामायण चल रही है, हिंसा के 10 भेद बता दिए, हिंसा करने की कुयुक्तियों का खंडन कर दिया, मतलब अभी अपने यहाँ नहीं किया है ग्रंथ में। उसके बाद जब शिष्य ने बोले मैं सबसे स्वरूप समझ गया अहिंसा हिंसा का, आप तो बताओ कैसे अहिंसा होगी, तो आचार्य अमृत चंद्र देव कैसे बता रहे हैं कैसे अहिंसा होगी। वो कह रहे हैं अगर तुमको थोड़ी भी हिंसा छोड़ने की इच्छा है तो सबसे पहले मध्यम मास समक्षोद्रम,
पंचो दुंबर फलानि यत्नेन हिंसा विपुरति कामहि मोक्तव्यानि प्रथममेव। मध्य को, मांस को और शहद को और पांच उदंबर फलों को सबसे पहले इनका त्याग करना चाहिए। किस किस को? मध्य माने सब समझते होंगे, यहां के लोग तो समझते ही होंगे, मैं सब जगह के समझते हैं। क्यों, मध्य में क्या प्रॉब्लम है, मांस में क्या प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, मांस में तो थोड़ी बहुत समझ में आती है प्रॉब्लम, और आगे भी जाके उसकी व्याख्या करेंगे। मधु में क्या दिक्कत है? शहद तो अच्छा होता है ना, स्वास्थ्य के लिए स्वादिष्ट होता है। अब पूछ लो अमरचंद्राचार्य देव से, वो आपको याद दिला रहे हैं, वो भगवान आत्मा जो त्यागो उपादान शून्य तो शक्ति वाला है, उसी भगवान आत्मा को उपदेश दे रहे हैं कि गलती से शराब पी मत लेना, गलती से मांस खा मत लेना, गलती से शहद चख मत लेना, सर्वधर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पांच उदंबरों के फल का त्याग करवा रहे हैं। फिर क्रम से मध्य के दोष बताएंगे कि मदिरापान में क्या दिक्कत है। कितने श्लोकों में? एक, दो, तीन, तीन गाथाओं में, तीन तीन चार चार गाथाओं में मध्य के, फिर मांस के, फिर मधु के, फिर पांच उदंबर फल के, तब जाके फिर वो आपको बताएंगे, तभी आपको समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे बता रहे हैं। आगे आगे, पका हुआ मांस, बिना पका हुआ मांस, आधा पका हुआ मांस, तुमने नहीं मारा हो, दूसरे ने मार दिया हो, ऐसा मांस बताओ। अमरचंद्राचार्य ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या ऐसी बातें करने में? तुमको तो ऊंची बात सुननी है, इससे ऊंची कुछ नहीं हो सकती। तेरे जीवन को निर्मल बनाने वाले सर्वकथन ऊंचे होते हैं। अब इन वचनों को सुनो, देखो मैं 71 नंबर 71 बोले, हमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो शॉर्ट में सुन लो, अभी दो मिनट में समझ में आ जाएगा। मधुमद्यम नवनीतम पिशितम च महाविक्रतयस्तः बल्यन्तेना व्रतिना तद्वर्णा जन्तवस्तत्र। क्या हो जाता है? तद्वर्णा, तद्वर्णा माने उसी रंग के, उसी रंग के, तद्वर्णा माने उसी कलर के, जैसे चमड़े के लिए बोलते हैं अपन कि चमड़े की जो वस्तु बनी हुई है, जैसे सुअर के चमड़े का अगर समझो मेरा पर्स बना हुआ है, जूता बना हुआ है, तो उसमें उसी जाति के, उसी कलर के जीव उत्पन्न होते रहते हैं। यह किन किन के नाम लिए? मधु माने शहद में, मध्य माने शराब में, नवनीतम माने मक्खन में, आधे दिन ही मर जाएंगे उनको, अमरचंद्राचार्य को पढ़ लेगा। मक्खन माने वही वो कन्हैया जी वाला वो दही मतने के बाद जो रख देते हैं, अगर उसको गर्म करके घी बना ले तो उसकी मर्यादा बहुत ज्यादा, और मक्खन की कितनी सी मर्यादा है, मर्यादा तो कह रहे खाने लायक ही नहीं है। पिशितम माने मांस, महान विकारों को धारण करने वाले इन चार पदार्थों को व्रती पुरुष भक्षण ना करे, कारण कि उन वस्तुओं में उस जाति के उसी वर्ण के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उन्होंने 10-20 जाता है रात्रि भोजन पे, इन सब पे चर्चा आने वाली है, उसकी चर्चा अपने यथा समय करेंगे। मैं तो सिर्फ आपको हिंट दी है कि आप किस धुन में खोए हो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और हमने ये विचार किए बिना इस आत्मा को कुछ भी खिलाया कुछ भी पिलाया, भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, ये विचार किसको करना पड़ेगा, श्रावकों को कि मुनियों को? हर एक को अपना अपना सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये कर्तव्य किसका है, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आत्मा हूं ना। शुद्ध आत्मा में प्रवेश करते हैं सर आप,
या राग प्रवेश नहीं कर रहा, राग के प्रदेश बनना, तो शराब आत्मा में प्रवेश करेगी क्या नहीं करेगी? क्या हुआ, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? अच्छा, ज्यादा नशा करे ऐसी तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन कम नशा करे ऐसी नहीं। जी एक काम करते हैं, ज्यादा नहीं पीना चाहिए। वो तो इसलिए मना करते हैं, इंडिया में लोग पी पा के ओवर एक्टिंग करते हैं। अमेरिका में ये प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पी के शांति से बैठते हैं, घर में टीवी देखते हैं, चलेगा ऐसा? चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? भाई साहब अभी तो फिर कुल से भी जैन नहीं हो, परीक्षा और इच्छा तो बाद की बात हो गई, कुलाचार भी ठीक नहीं होगा जिनका, उनको क्या वो आप बात देखो। इसलिए ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है, बात हम समव शरण में दिव्य ध्वनि के सार की करना चाहते हैं, बात हम डिस्कशन करना चाहते हैं दिव्य ध्वनि के सार की, और हमारे परिणाम अभी इतने भी नहीं भीगे हैं कि बाजार की बनी हुई अवक्ष वस्तुओं को छोड़ सके, जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति है। हमारे दिनचर्या में, डे टू लाइफ में, अरे भाई यहाँ लोग बोलते हैं यहाँ बहुत अच्छा है अमेरिका में, समय ज्यादा बचता है। क्यों समय ज्यादा बचता है? जॉब के काम करने के टाइम फिक्स है, बहुत ओवर टाइम यहाँ के लोग नहीं कराते हैं, तो सौभाग्य है ना तुम्हारा, उतना समय आप अपनी चर्या में लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? फिर आपको तो हफ्ते हफ्ते महीने महीने भर की रोटियां बेल के नहीं रखनी पड़ेगी? अरे आप क्यों खाने पीने को घूम करके आ जाते हो? मैं क्या कहूँ, एक ग्रंथ जो पकड़ाया है ना आपने हाथ में, इसमें यही है, उससे क्या होगा? हमारे यहाँ तो नारे लगाते थे बच्चे, जब वो शाकाहार श्राव का चार रथ निकला था, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप जैसा अन्न खाओगे, ये जो असर दिख रहा है ना, रतनगण श्राव का चार में लिखा है, पचासों वर्ष हो गए हैं शास्त्र बांचते बांचते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते, शास्त्र अभ्यास करते करते, परंतु सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? लिखा है यह सब अन्याय अनीति अवक्ष के फल का, अवक्ष के सेवन का फल जानना, कि हमारे जीवन में अभी अन्याय नहीं छूट रहा है, अनीति नहीं छूट रही है, अवक्ष नहीं छूट रहा है। भाई सूक्ष्म अवक्ष नहीं छूटेगा, लेकिन इसमें आई ही क्या था कि चलो भाई आप स्थावर जीवों की हिंसा नहीं छोड़ सकते हैं, गृहस्थ है ना, तो त्रस की तो छोड़ सकते हो, स्थावर हिंसा की नहीं छूटेगी, ये केंद्रीय जीव जो है रसोई बनाते समय दूसरे काम करते समय, लेकिन त्रस हिंसा को तो छोड़नी पड़ेगी, संकल्प हिंसा तो छोड़नी पड़ेगी। दरअसल हमारे जीवन में जितना भी धर्म आचरण है वो कोई क्रमिक नहीं है, जब जहां जिससे जो सुन लिया है उतना हमने पालन कर लिया है, लेकिन भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। अणुव्रत भी आपको अंगीकार करने होंगे, तो क्रम से अंगीकार करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? ये देखो मैं बताऊं आपको, गाथा नंबर 17, मिला पेज नंबर 47, बहुसह समस्त विरतिम् प्रदर्शितां यो न जाति गृह्णाति, तस्येकदेश विरतिः कथनीयानेन बीजेन, बहुसह समस्त विरतिम प्रदर्शितां यो न जाति गृह्णाति। बहुत बार 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 मुनि धर्म का स्वरूप बताने पर जो उसको अंगीकार करने में असमर्थ है, उसके लिए तस्येक देश विरति, उसके लिए एक देश विरति अणुव्रतों का उपदेश देते हैं। किसके लिए? जो मुनि धर्म का पालन करने में असमर्थ है उनके लिए। ये उपदेश देने का क्रम है जिन शासन में। कोई जीव आपके पास आए नया नया फ्रेश एकदम, बोले पंडित साहब मुझे धर्म करना है,
तो बताओ उसको उपदेश कैसा देना चाहिए, कहां से देना चाहिए। तो अमृतचंद्राचार्य का व्यू जो है वो ये है कि उसको सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए। अब आप कहोगे अरे यार वो तो कुछ भी नहीं समझता, अभी सीधे सीधे मुनि धर्म, पहले उसको ए बी सी डी बताओ फिर आगे बढ़ना धीरे धीरे। कि नहीं, दिन शासन में उपदेश देने का ऐसा क्रम नहीं है कि पहले श्रावक धर्म का उपदेश दें बाद में मुनि धर्म का उपदेश दें। पहले मुनि धर्म का उपदेश देंगे, जब वो कहेगा हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम श्रावक धर्म का उपदेश देंगे। बाजार में नहीं होता है, हिंदुस्तान में दुकानें होती हैं तो दो तरह से लोग दुकानदार होते हैं। आप जाओगे उनकी दुकान पे तो सबसे पहले वो हल्की चीज दिखाएंगे, फिर आप कहोगे और अच्छी दिखाओ, तो फिर एक डब्बा और खोल के थोड़ी और अच्छी दिखाएंगे, फिर कहो और अच्छी दिखाओ, फिर और अच्छी दिखाएंगे। ऐसे क्रम क्रम से आगे बढ़ते हैं। और एक ऐसे होते हैं जो सबसे पहले एकदम बहुत महंगी चीज दिखा देते हैं, फिर आप कहते हो नहीं नहीं इसे थोड़ा कम दिखाओ, नहीं नहीं इसे थोड़ा कम दिखाओ। तो आप थोड़ा दिमाग लगा के बताओ ज्यादा बिजनेस कौन करता होगा? दोनों ही तरह के है ना, तो इसमें कमाता ज्यादा कौन होगा, पहले वाला या दूसरे वाला? क्यों? क्योंकि अगर उसमें एक से लेकर 100 रुपए तक की चीज है और सबसे पहले उसने 100 रुपए वाली चीज दिखा दी एकदम VIP, और एक बार बहुत अच्छी चीज देख लो ना तो बहुत खराब चीज नहीं खरीद सकते। उस 100 से गिरते गिरते 98 पे 95 पे 92 पे 95 पे 85 पे 80 पे रुकेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ रुकेगा, और नीचे खाली करके आ जाएगा। और 1-2 से शुरू करें तो 1-2-3 अरे यार बहुत देर ले, ले तो लो 20-25 वाली चलो। अब इसलिए जब कोई धर्म सुनना चाहे, धर्म करना चाहे, धर्म का स्वरूप जानना चाहे, आप लोग भी तो धर्म जानना है, धर्म जानना, सबसे पहले मुनि धर्म का स्वरूप समझना। और जब ये लगे कि हमारी औकात नहीं है मुनि धर्म को अंगीकार करने की, तब जाके इसमें तो आगे बताए कल 18 नंबर की देखो, यो यति धर्मम कथयन् नोपदिशति गृहस्थ धर्मम अल्पमति, तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितं निग्रहस्थानम्। भाई साहब वो दंड का पात्र है हमारे यहाँ, जो मुनि धर्म का उपदेश दिए बिना श्रावक धर्म का उपदेश देता है। बोलो अमृतचंद्राचार्य का एंगल देखो, फुर्सत हो गए तो 2 साल में खत्म हो ये प्रशासन, रोज चलाएं तो हमारा चला था 2 साल में, हमारा चला ना चला। अच्छा यहाँ चलाया क्या? यहाँ चलाया तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ। अच्छा दिल्ली सभा में, सच में ये ग्रंथ तो आप देखो बादाम बहुत फायदे करते हैं। एक काम करो 5-10 किलो खरीद लाओ और एक दिन में खा जाओ। तो ऐसे ही होता है साल भर ये लोग आधे से ज्यादा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, 3 दिन में पूरे ग्रंथ को पी जाओ। ऐसा नहीं होता है, आप 2 बादाम भी रोज के खाओगे ना तो आपको जितना फायदा होगा उतना फायदा दिन भर में 10 प्रवचन सुनने से नहीं होगा, क्योंकि उपयोग नहीं लगेगा, ग्रहण नहीं होगा। ये तो हमारी मजबूरी है। अब इतने महंगे महंगे, इतने दूर दूर से आप लोग आते हो, फ्लाइट के टिकट खर्चे इतने महंगे, होटल में रुकते हो, यूं लगता है कि पूरा जल्दी से ले लो, नहीं तो एक दिन में एक प्रवचन और दिन भर उस पर घोलन, दिन भर उस पर चिंतन, दिन भर उस पर मनन, एक गाथा एक दिन, दूसरी गाथा दूसरे दिन, तीसरी गाथा, 5 दिन में समय सारी 5 गाथाएं बहुत है। अभी डलास वालों ने एग्जाम्पल दिया ना आपको सुबह सुबह परिचय अपना इंट्रोडक्शन, ये 8 दिन की मेहनत का है वो एक कलश। पर अब इनको सपने में भी कभी कोई बम ब्लास्ट हो तो जैसे अकलंग निकलंग दे बोले अनंत शरण पहुंच जाएंगे, सिद्ध शरण पहुंच जाएंगे, पट्ट से बोलेंगे अचिंत्य शक्ति स्वयमेव चिन्ह मात्र चिंता। बाकी लोग मुंह देख रहे हैं आपका कैसे रसगुल्ले खा रहे हैं, ये जैसे होता है गरीब लोग आप रसगुल्ले खा रहे हैं सामने वाला ऐसा अमृत है, सच में अमृत है।
लज्जा आनी चाहिए, ये सुरज्ञान हमको क्यों नहीं याद है? हमारे पास संगी पंचेंद्री बना है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास दिमाग है, इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ी हैं, अभी हमारा व्यापार कोई ऐसा अटपटा नहीं चल रहा है, कोई मानसिक परेशानियां नहीं है, घर में कोई कवह नहीं है, रोज की कम से कम एक दो गाथा रट्टा मारो, जब बेड रेस्ट पे पहुंचो तो किसी का याद नहीं करना पड़े, खुद ही रिपीट 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 चलता रहे। सुरज्ञान सुर के लिए काम आएगा ना, ये द्रव्य सुर किसके काम आएगा? यहाँ ये लिख रहे हैं, यदि कोई धर्मात्मा, यदि कोई वक्ता श्रावक धर्म का उपदेश पहले देवे और मुनि धर्म का उपदेश बाद में देवे तो वो दंड का पात्र है। आपको यह क्या कमाल चल रहा है, बेचारा अभी अभी आया है। हाँ, इसके पीछे लॉजिक है बहुत बड़ा, क्यों? कोई आसन्न भव्य जी बड़े उत्साह से धर्म करने आया है और तूने उसे अल्प धर्म में संतुष्ट कर दिया, अब उसे आगे क्या करने की जरूरत है? हाँ भाई पंडित साहब, मुझे धर्म करना है, क्या करना चाहिए? ये काम करो, ब्रह्मोकार मंत्र की माला एक सुबह जपा करो, एक शाम को जपा करो, अब हो गया धर्मात्मा। अब इससे ज्यादा मेहनत वो जिंदगी में कभी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसने बताए हुए धर्म में, अल्प धर्म में संतुष्ट हो गया। अब उससे ज्यादा मेहनत कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सबसे पहले उसको बताना चाहिए था कि भैया तीनों काल में, तीनों लोक में एक शुद्धात्मा ही शरण भूत है, एक ज्ञायक ही शरण योग्य है, ज्ञायक को उर्द करके कथन करे सारे के सारे। जब वो कहे भैया थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, फिर व्यवहार में आए, शुरुआत व्यवहार से नहीं करे। देखो वापस आ जाओ कहां, जहां अपन चल रहे थे, 5 नंबर पे। देखो ऐसा है, मैं पूरी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 5 दिन में नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको सैंपल बता रहा हूँ और साल भर के लिए होमवर्क देके जाऊंगा, और खुशी की बात है अगली साल फिर यही आना है, मैं इसका क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ओपन बुक टेस्ट लूंगा आपका, आप किताब बाजू में रख के लिखना भले ही, लेकिन वही लिख पाएंगे आंसर जो पढ़ेंगे साल भर। और रोज का एक पन्ना भी पढ़ा ना बहुत है, एक पन्ना नहीं एक पैराग्राफ भी आपने पढ़ा तो बहुत है, बस अब एब्सेंट नहीं होना चाहिए, जिस दिन एब्सेंट हो जाए उसके अगले दिन 2 पैराग्राफ पढ़ लेना था, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे करना है। 5 नंबर का अपन ने पढ़ लिया था कि निश्चय नए भूतार्थ है और व्यवहार नए अभूतार्थ है। तो शिष्य कहता है जब निश्चय नए काम का है, व्यवहार नए बिना काम का है, तो जिनवाणी में लिखाई काय को एक ही नहीं लिख देते? सहज बात है ना, मैं तो कुछ की टीका नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ मूल मूल श्लोक से आगे बढ़ रहा हूं। देखो 6 नंबर का, तो उन्होंने जवाब दिया, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरः देशयन्त्यभूतार्थम व्यवहारमेव केवल यस्तस्य देशना नास्ति। क्या कह दिया इन्होंने कि हमने जो व्यवहार का कथन किया है, अबुधस्य जो बुध नहीं है, बुध नहीं है माने समझदार नहीं है, ज्ञानी नहीं है, बालक है, ना समझ है, उसके लिए उपदेश दिया है मुनिराज ने, व्यवहार नय का उपदेश अबोध के लिए दिया है। अब कोई व्यवहार नय में ही अटक जाए, व्यवहार नय का ही आश्रय ले ले, व्यवहार नय ही मान ले रहे सब कुछ है, वो कहते हैं उसके लिए जिनवाणी है ही नहीं। यस तस्य देशना नास्ति, उसके लिए देशना नहीं है, उसके लिए देशना नहीं है माने वो बहुत उद्दंड वाला होते हैं टीचर, तो क्या बोलता है टीचर उनसे, तुमको नहीं पढ़ा सकते, तुमको नहीं पढ़ा सकते। तो ऐसी जो जी बहुत व्यवहार में अटक गया हो ना, बहुत व्यवहार में, उसके लिए उद्देश्य ना नहीं है। क्या मतलब इसका, क्या अर्थ है इसका? एक गाथा पहले जो अर्थ कर रहे थे ना, उसका अर्थ यहां खुलासा कर रहे हैं। तो एक श्लोक पहले बताया था, निश्चय नए भूतार्थ है, व्यवहार नए अभूतार्थ है, तो शंका उत्पन्न हुई तो फिर लिखा ही क्यों है? तो बताया, देखो ग्रंथकर्ता आचार्य अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए व्यवहार नय का उपदेश करते हैं। जो जीव केवल व्यवहार नय को ही जानता है, उसको यानी उस मिथ्या दृष्टि जीव के लिए उपदेश नहीं है। यानी दोनों नए जानने पड़ेंगे कि नहीं जानने पड़ेंगे, इसका समाधान करने के लिए एक दृष्टांत दिया पहले 7 नंबर के श्लोक में,
माणवक एव सिंहो। एक्टिव मोड पर आओ आप तो, माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनव गीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य केवल व्यवहार के श्रद्धांत से क्या प्रॉब्लम है कि केवल व्यवहार के श्रद्धांत से इतनी बड़ी परेशानी है आप सोच नहीं सकते हो। वो दृष्टांत दिया माणवक एव सिंहो, माणवक माने बिलाव, बिलाव माने बिल्ली। अब किसी बच्चे को हमें समझा रहे थे शेर कैसा होता है, शेर कैसा होता है, शेर कैसा होता है, दिमाग नहीं कैसे समझा कैसे, तो बिल्ली दिखती हमको, तो हमने कहा देख ये देख ये बिल्ली जो है ऐसे ही शेर होता है, बिल्ली जैसे ही होता है शेर लगभग लगभग। तो उसके दिमाग में अगर वो बैठ गया आग्रह शेर कैसा होता है बिल्ली जैसा, तो कभी असली शेर से वो मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। बिल्ली को ही जिसने शेर मान लिया हो अब बोलो उसका क्या होगा। जैसे व्यवहार ने को ही जिसने व्यवहार को ही सर्वधर्म मान लिया हो अब वो जिंदगी में निश्चय धर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो संतुष्ट हो गया ना माणवक में ही, बिल्ली में ही संतुष्ट हो गया तो असली शेर से परिचय नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जो लोग व्यवहार में का आश्रय लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है सवेरे शाम तक भैया मैंने माला जप ली, पूजा कर ली, चार पन्ने ग्रंथ के पढ़ लिए, दान दे लिया, सब तो कर लिया, अब क्या करना है। तो अपने लाइफ में बहुत खुश रहता है और वहां के सबको मूर्ख समझता है कि सारे जगत के पापी हैं, वो पापियों में थोड़ा अच्छा लगता है उसको। तो पुण्य की कक्षा में बैठ के वो भ्रम हो जाता है उसको, मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ। अब उसको असली धर्म कभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने नकली धर्म को असली मान लिया है। और उसके साथ समस्या एक और नहीं उत्पन्न हो जाती है, जब कभी हम ऐसे कथन करते हैं तो अपने वो व्यवहारिक गुरु के पास जाके पूछता है, वो अपने मन से नहीं पूछता है कि उपदेश में जो बात आई है उसको कैसे ठीक करें, तो वो उनके पास जाके पूछता है। क्या पूछता है? महाराज साहब फलाने पंडित जी आए थे, वो कह रहे थे व्यवहार में जो अटक गया वो भटक गया, अरे अब क्या होगा बोलो। हम पहले दिन से उसको कह रहे थे जो शराब पीता हो और हम उससे कहें शराब छोड़ दो, तो वो क्या, हमें पूछ के आता हूँ किससे, जिसने मुझे पिलाना शुरू की थी उससे, छोड़ देगा? छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? क्यों छोड़ नहीं देगा? वो क्या करेगा, और पिलाएगा? सबसे पहले तो ये कहेगा अगर दोबारा वहां गया तो तेरे परिवार का नाश हो जाएगा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा, तेरा घर मिट जाएगा, तू चले मत जाना वहां। तो सबसे पहले तो वहां जाने पर प्रतिबंध लगाएगा। ऐसा हमने देखा है अपनी आंखों से, कई लोगों ने भरे प्रवचन की सभाओं में शास्त्र पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है। बोलो कितना बड़ा अपराध है। हमारे आचार्य हमारे लिए वसीयत लिख के गए थे, वसीयत माने जैसा होता ना कि हम बच्चे यहाँ हैं और पापा समझो इंडिया में हैं उसके, और यहाँ बेचारा वो दूसरी आईटी फाइटी कंपनियों में सवेरे शाम तक जी तोड़ मेहनत कर रहा है और बाप दादा की करोड़ों की संपत्ति पड़ी हुई है। अब वो करोड़ों की संपत्ति पड़ी थी और अचानक उनको समझो घबराहट हुई, समझो ऐसा लगा कि बस जाने वाले हैं, तो फटाफट फटाफट उन्होंने पूरी रामायण कि भाई इतनी इतनी संपत्ति मेरे बच्चे को दे दी जाए, तो इतने में वो लुढ़क गए। अब वो संपत्ति मेरे पास आ गई वसीयत, तो मैंने उसको बढ़िया इसको लेमिनेट करा के वो लाल कबरे से पलासने में लपेट के और उसको बढ़िया कांच के डब्बे में सजा के रख दी और अपने उसके बच्चे को बुलाया, तेरे पापा ये रखे गए, बहुत अद्भुत चीज है और रोज धोख दिया कर इसकी। अब वो रोज उसकी अगरबत्ती लगाता लगा के ऑफिस निकल जाता है, रोज डेली ऑफिस जाता है। किसको धोख देके? वो वसीयत को। ये वसीयत धोख देने की चीज थी कि पढ़ने की चीज थी? ये पुरुषा सिद्धि उपाय काय के लिए है? सैल्यूट मारने के लिए? अरे सैल्यूट तो अपने आप मारोगे, जैसे जैसे इसको पढ़ते जाओगे तो सैल्यूट अंदर से निकलेगा। अरे गजब काम कर दिया, कमाल कर दिया आचार्यों ने, तो आप नतमस्तक तो स्वयं हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, पूरी जिनवाणी को लाल कपड़े में लपेट के लाइन लगा के दर्शन करवाए, बस पढ़ मत लेना, पढ़ मत लेना, पढ़ मत लेना। भाई साहब ये तो सामान्य बात कर रहा हूं आपको,
कड़वा सच है। धवला जैसे महान ग्रंथ, महान ग्रंथ धवला जैसे आचार्य भूतबली पुष्पनंद ने लिखे थे, आचार्य दर्शन ने कटने श्रम से बुला के समझो उनको उपदेश दिया था, पिछले 2000 सालों से सिर्फ और सिर्फ धोख देने की वस्तु बनी हुई थी। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? हमारे धर्म के ठेकेदारों की कृपा से। और किसी ने बैन नहीं लगाया उसको, जिनके हाथ में वो वसीयत पहुंच गई थी। भूतबली पुष्पनंद लिख के गए थे कि पंचम काल के अंत तक समस्त भव्य जीवों को ये पढ़ाते रहना और सब अपनी अपनी संपदा को देख के एंजॉय करेंगे। किसके नाम पे क्या लिख के गए, घर के सब सदस्य आगे बैठ जाते हैं ना, सबको बुला लो, सबके सामने पढ़ना किसके हिस्से में क्या छोड़ के गए हैं। तो ऐसी अपने शिविर लगाइए, आ जाओ सब एक साथ बैठ जाओ, हम बता रहे हैं किसके हिस्से में क्या क्या वसीयत है, बोलो। अभी पढ़ने की चीज थी, पढ़ाने की चीज थी, एजुकेशन की चीज थी, शिक्षा की चीज थी, हमने इसको क्या किया? या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, ढोल मजीरे और रखी साथ में, तो ऐसे झूमता है चमर ले लेके, ये भिलसा भी नाचने का भाव आता है। इतना अद्भुत तत्व जिसको सुनने को मिले, अनंत काल से जीव अनादि काल से संसार में भटकता भटकता एक इंद्री से पंच इंद्री जाने कहां कहां घूम के नहीं आया, पंच परावर्तन के चक्कर काट काट के उसको द्वादशांग श्रुत मिल जाए तो अंदर से नाचने का भाव आता है। लेकिन पहले वो दवाई खाता है, स्वस्थ होता है, फिर नाचने का भाव आता है, उसके अलग मजे हैं। और वो फोटो खींच रहे हैं और वीडियो कैसे बन रहे हैं इसलिए वो यूं यूं कर रहा है, दोनों में अंतर है क्या नहीं है? तो आपकी भक्ति कौन सी है? आपने अरहंत देव के स्वरूप को जाना है, आप पहचानते हो अरहंत कौन है, आप जानते हो अरहंत के अंतरंग गुण कौन से होते हैं, अरहंत के बहिरंग गुण कौन से होते हैं, आपको मालूम है? यदि आपको अरहंत के स्वरूप का परिचय नहीं है, सुबह चल रही थी चाचा लक्षण और स्वरूप, स्वरूप नहीं पता होगा तो प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाओगे, लक्षण पता नहीं होगा तो पहचान नहीं पाओगे। तो हमको लक्षण तो पता था, कड़क से पहचान लिए मेरे हैं, जिनवाणी मेरी है, ये शास्त्र मेरे हैं, लक्षण तो मालूम है आपको। आपने स्वरूप जाना कि नहीं जाना? स्वरूप नहीं जाना तो फिर क्या होगा? मेरे पास 1 लाख का मोबाइल है लेकिन मुझे सिर्फ यही पता है हरे रंग से उठाया जाता है, लाल रंग से काटा जाता है। क्यों हंस रहे हो? ऐसे लोग नहीं है दुनिया में, नहीं ऐसे घर घर में बैठे हैं। हमने उस जमाने में जब 200-500 रुपए भी बड़े होते थे 18,000 का मोबाइल लाके दिया, अब महीनों तक उनके पास रहा समझो पिताजी के पास, तो उसे दो ही काम करते थे, लाल और हरा, इसके अलावा कुछ नहीं पता है, बोलो उस वस्तु का दुरुपयोग है कि नहीं है। फिर जब उनको समझाया इसमें तो शास्त्र भी आ सकते हैं, इसमें तो भजन भी डाल सकते हैं, इसमें तो प्रवचन भी सुन सकते हैं, सो उन्होंने 2-4 प्रयोग किए और इतनी महिमा आई। फिर तब उन्हें जाके मुंह से निकला, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, हम तो लाल और हरे बटन में ही संतुष्ट हो रहे थे, हम तो सुबह एक माला जप लेते थे, शाम को एक माला जप लेते थे, ज्यादा हो जाता था तो सामायिक कर लेते थे, प्रतिक्रमण कर लेते थे, आलोचना पढ़ लेते थे, हमारा काम हो गया, हमने तो कभी समय सार का विधान किया ही नहीं, हमने तो आत्मा के फीचर जाने ही नहीं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भैया ये गड़बड़ मत कर देना, मानवक एव सिंहो, बिल्ली कोई शेर नहीं समझ लेना, व्यवहार कोई निश्चय धर्म नहीं समझ लेना, अन्यथा क्या होएगा, व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्रण काल मान थी, पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, संभव ही नहीं है, पुण्य करते करते पुण्य होगा और पाप करते करते पाप होगा, धर्म करते करते धर्म होगा, पुण्य करते करते धर्म कैसे हो जाएगा? ये अलग बात है कि जब मोक्ष मार्ग में आगे जीव बढ़ता है, पहले अशुभ भाव जाता है, फिर शुभ भाव जाता है, तब जाके शुद्ध भाव आता है। ये नयों की जो विवक्षा कही गई है, अब उनको घबराहट हो रही है, कल तो बड़ी खुशी हुई थी, हाँ यार दोनों नए काम के हैं, लेकिन भैया दोनों नयों में से व्यवहार नए अवलंबन लायक किसको है? जिसको निश्चय तक नहीं पहुंच पा रहा है, निश्चय पे पहुंचने के लिए है, अपने को ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ियां लगानी पड़ेंगी कि नहीं लगानी पड़ेंगी? सीढ़ियां कितनी उपयोगी हैं बताओ,
इसमें मैं पूरा एक ग्रंथ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं सीढ़ियों की उपयोगिता पर, हजार पन्ने का लिखा जा सकता है, क्योंकि सीढ़ियां नहीं होंगी तो ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो इतनी काम की चीज है, हाँ इतनी काम की चीज है, बहुत बढ़िया सीढ़ी लगाई और सीढ़ी पे जाके जम के बैठ गया कोई, अब ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे ही ग्रंथों में व्यवहार में की बहुत महिमा गाई है, क्योंकि उसके बिना निश्चय नहीं समझा सकते। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु, बोला करो आगे, नियत को होई है दो चार, आप थोड़ा याद करवा देना बाकी लोगों को, अकेले अकेले बोलते रहते दूसरे लोग ऐसे करते हैं। सच है ये श्रुति यहाँ के लिए नहीं है, आपके कंठ में रहेगा, आपके हृदय में रहेगा तो आपके काम आएगा। तो वहां तो साफ साफ लिखा है, ऐसे ही व्यवहार नहीं, देखो मैं इसका अनवयार्थ पढ़ता हूं। जिस प्रकार सिंह को सर्वथा ना जानने वाले पुरुष के लिए बिलाव ही सिंह रूप होता है निश्चय से, उसी प्रकार निश्चय के स्वरूप से अपरिचित पुरुष के लिए व्यवहार ही निश्चय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए 8 नंबर में उसका समाधान किया कि प्रकरण यहां समाप्त होता है, मैं सिर्फ 5 ना करके समाप्त करता हूं। व्यवहार निश्चय यः प्रबोध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति देशनाय स एव फलम विकलं शिष्यः। जो जीव व्यवहार में और निश्चय नहीं को वस्तु स्वरूप से यथार्थ रूप से जानकर मध्यस्थ होता है, अर्थात निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं के पक्षपात से रहित होता है, वह ही शिष्य उपदेश का संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। वही शिष्य, वक्ता का स्वरूप भी बता दिया, श्रोता का भी स्वरूप बता दिया। वक्ता कैसा चाहिए? निश्चय और व्यवहार का ज्ञाता। और श्रोता कैसा चाहिए? निश्चय और व्यवहार का ज्ञाता, दोनों एक जैसे। हाँ भाई साहब, तभी माल परोसा जाएगा। हाँ, श्रोता थोड़ा कम जानता होगा, वक्ता थोड़ा ज्यादा जानता होगा, इसकी विशेष चर्चा अपन। हाँ।